जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। अन्य अभियंता का रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। बारिश में भी टिके हैं, धूप में भी टिके रहते हैं, 17 दिनों से टिके हैं, लेकिन आज तक आयोग सुनने को मतलब रेडी नहीं है। जार में पानी रखे हुए हैं कि अगर फिर से सोने की कोशिश करेगा बिहार तकनीकी सेवायो तो उसके चेहरे पर छिड़क कर उसके जगाने का काम करें। हम यही मानते हैं कि हमको सफलता मिल भी जाएगी, क्योंकि हमारी मांग जो है वो कोई ऐसी मांग नहीं है, हम अपना अधिकार ही मांग रहे हैं। बिहार इन शॉर्ट देख रहे आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। BTSCJEE के छात्र लगातार 16 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि एक अच्छी खबर निकल के आ गई है कि 1 तारीख से ये लोग का काउंसलिंग स्टार्ट है, मगर फिर भी ये लोग यहां पे डटे हुए हैं। बोले हैं कि जब तक लोग रिजल्ट जारी नहीं होगा ये लोग नहीं हटेंगे, इस बार झांसे में नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं गर्दनी बाग में हम मौजूद हैं, काफ़ी भारी बारिश हो रही है, फिर भी ये लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी BTSCJEE के छात्र हैं यहाँ पे हैं, बारिश हो रही है मगर फिर भी अपनी मांगों के साथ आप लोग खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, हटना नहीं है, बिल्कुल नहीं हटेंगे। जबकि खुशी जा ये काउंसलिंग तो स्टार्ट हो रही है, काउंसलिंग ये सिर्फ छलावा है, हम लोगों को मांग काउंसलिंग की नहीं है, हमारी मांग है कि रिजल्ट देकर जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराया जाए हम लोगों को। बिल्कुल, तो काउंसलिंग आपके हिसाब से छलावा है? बिल्कुल, हमारे हिसाब से काउंसलिंग एक छलावा, एक तो एक प्रोसेस है जो बहुत ही कम टाइम में हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके भी टाइम टेकिंग किया जा रहा है, 11 दिनों का टाइम दिया गया है, जबकि ये बहुत ही कम समय में हो जाना चाहिए था। और इसी चीज़ के कारण ही अब तक 4 महीनों से डिले करती जा रही है वैकेंसी को, जबकि 4 साल लगा दी है ऑलरेडी रिजल्ट को पब्लिश करने में। 3 तारीख को रिजल्ट पब्लिश किया गया था, आप सभी को पता होगा, और 6 तारीख के रिजल्ट को वापस ले लिया गया, इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। आज हमारा धरना का 17वां दिन है। रिजल्ट का संशोधन हुआ कि अभी तक हुआ? नहीं नहीं, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा तब तक कैसे पता चलेगा कि संशोधन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना? तो हम लोग उसी का इंतजार करें, हमारा बेसिक डिमांड वही है कि हमारा संशोधित रिजल्ट जल्द से जल्द पब्लिश किया जाए और उस संबंधित विभागों को अनुशंसा जल्द से जल्द भेजा जाए। बारिश हो रही है फिर भी टिके हुए? बारिश में भी टिके हैं, धूप में भी टिके रहते हैं, 17 दिनों से टिके हैं, लेकिन आज तक आयोग सुनने को मतलब रेडी नहीं है। काउंसलिंग करवा रही, लेकिन काउंसलिंग मेरा मुख्य मांग नहीं था, मेरा मांग था कि आप रिवाइज रिजल्ट देके अनुशंसा भेजिए विभाग को और हमारा नियुक्ति करवाइए, जो कि मेरा 3 मांग में से एक भी पूरा नहीं किया गया। जब तक पूरा नहीं होगा तब तक धरना स्थल पे बने रहेंगे। चलिए, बारिश का तो टाइम है, अब तो कोई लोग मिलने आएंगे नहीं, बारिश में धूप में कोई मिलने आया था? नहीं सर, हम लोग बारिश हो या धूप हो लगातार 17 दिन से यहाँ पे अपनी आँच लेके बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी व्यथा कोई सुनने वाली सरकार नहीं है। हमारी व्यथा बिहार तकनीकी सेवा आयोग सुन नहीं रही है, उनको क्या मन में है ये भी तो बता दे, हम लोग उसके लिए भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आप अपने इच्छा तो जाहिर कीजिए कि हम आपके साथ क्या करेंगे। ये काउंसलिंग लीड जिसको 3 दिन में पूरी करनी थी, 11 दिन का टाइम टेकिंग लिया है, ये सिर्फ हम लोग का भटकाने का काम किया जा रहा है। हम लोग का मुख्य मांग है जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करके और संबंधित विभाग को अनुशंसा भेजे ताकि हम बिहार के विकास में योगदान दे सकें। और अभी काउंसलिंग थोड़ी सी सकारात्मक कदम उठाई है, वो भी हमारा आंदोलन का ही इफेक्ट है कि वो जागी है, इसलिए हम लोग देखिए सर जार में पानी रखे हुए हैं कि अगर फिर से सोने की कोशिश करेगा बिहार तकनीकी सेवा आयोग तो उसके चेहरे पर छिड़क कर उसके जगाने का काम करें, उठा दें एक। बिल्कुल सर, अब सोने नहीं देंगे, आप सोने नहीं देंगे सर, इसलिए लगातार धरना जारी रहेगा। देखिए यहाँ पे लड़कियाँ भी, उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी इन्हीं को होती है, आंदोलन में आना, घर से परमिशन लेना, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। बारिश हो रही है फिर भी आप लोग डटी हुई? जी सर, बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है हमें, और मतलब ऐसे यहाँ पे शौचालय वगैरह की भी सुविधा नहीं है, तो हमें पानी भी लिमिट में पीना पड़ रहा है, खाना भी लिमिट में खाना कर पड़ रहा है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है। और अभी बारिश हो रही है, हम यहाँ पे बैठ भी नहीं सकते हैं, खड़े हैं, बहुत सारी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। तकलीफ बारिश हो रही है तो दिख रहा है लगातार पानी जो है अंदर की तरफ आ रहा है, जो आप लोग को बैठने की जगह है उसके लिए, हाँ बैठने की भी जगह भिंग जा रही है ना, हाँ। तो सब कुछ हटाना पड़ रहा है, खड़े हैं सभी से। तो काउंसलिंग के लिए तो डेट आ चुकी, तो क्या लगता है इस बीच कुछ अच्छी खबर आएगी या फिर आप लोगों को लटका नहीं देगा? वो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे ताकि सरकार सोए नहीं, मतलब हमारा रिजल्ट ताकि मिले जब तक। कितनी परेशानी होती है घर को छोड़कर उसके हिस्से से धरना पर बैठना? परेशानी तो सर इस कदर हो रही है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। अब आप खुद देख पा रहे हैं, पूरा बारिश के वजह से पानी अंदर आ रहा है, बैठने की जो जगह थी वो भी ख़त्म, अब हम लोग खड़े रहेंगे जब तक ये सूखेगा नहीं, गीला है पूरा सब कुछ, तो परेशानी हो रही है। पर फिर भी उम्मीद यही कर रहे हैं कि जिस तरह हमने कदम आगे बढ़ाया है तो सफलता हम लोगों को मिल जाए, हम यही उम्मीद लेके बैठे हैं,
और कहीं ना कहीं हम यही मानते हैं कि हमको सफलता मिल भी जाएगी, क्योंकि हमारी मांग जो है वो कोई ऐसी मांग नहीं है, हम अपना अधिकार ही मांग रहे हैं। अच्छा, ये आंदोलन आपका शाम में ख़त्म हो जाता है या फिर रात में भी ये इसी तरह से कंटिन्यू रहता है? नहीं, कुछ लोग रात में भी यहाँ पे रहते हैं, रुकते हैं, मतलब रात में भी रुक कर सरकार को जगाने का काम करते हैं। जी बिल्कुल, जब हम नहीं सो रहे हैं तो सरकार कैसे सोएगी सर। जी देखिए, यहाँ पे बेटे से जाएगी कि जितने भी अभ्यर्थी हैं यहाँ पे मौजूद हैं, बारिश हो रही है, काफ़ी भारी बारिश हो रही है, मगर फिर भी यहाँ मौजूद है, हौसला बुलंद है ये लोग का। हालांकि काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, मगर ये लोग का कहना है कि जब तक रिजल्ट जारी ना हो तब तक ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। इसी तरह तमाम बड़ी खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।